सिंध में टाइफाइड से निपटने के लिए कराची में अमरीकी तआवुन से दो रोज़ा इजलास हुआ, जिसमें सेहत आमा के बुहरान से निपटने के लिए मौसर इकदाम और हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास के दौरान शुरका ने इस बात का जायज़ा लिया कि ये बीमारी सिंध में लोगों और सेहत के निज़ाम को किस तरह मुतासर कर रही है। इस मौके पर ऐसे इकदाम पर गौर किया गया जो काबिल अमल, सस्ते और मौसर हों, ताकि वबा पर जल्द काबू पाया जा सके, जिनमें बग़ैर नुस्खे के एंटीबायोटिक्स की फ़रोग पर पाबंदी, साफ़ पानी की फरहमी और बीमारी के सदबाब के लिए पॉलिसी की तैयारी शामिल है। इस मौके पर बताया गया, टाइफाइड बुखार का बायस बनने वाला बैक्टीरिया आलूदा खुराक और पानी से फैलता है। पाकिस्तान में हर 10 लाख में से 175 अफराद टाइफाइड से मुतासर होते हैं। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल पाकिस्तान में टाइफाइड के खात्मे के लिए कोशा है। ये इजलास इसी सिलसिले की कड़ी है। स्पोर्ट्स न्यूज़ शामिल करते हुए आपको बताएं कि ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में